नमस्ते, मैं अविचल दुबे। उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स को आप दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन एथलीट के रूप में जानते होंगे। अपनी इस लिस्ट में एक नाम और ऐड कर लीजिए, सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स अमेरिकन जिमनास्ट हैं जिन्हें अब तक की सबसे बेहतरीन जिमनास्ट माना जाता है। सर्वकालिक महानतम जिमनास्ट के रूप में सिमोन बाइल्स का नाम आता है। टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं, लगातार उनकी चर्चा तेज है। और ऐसा ही कुछ सिमोन बाइल्स के साथ हुआ जिसके बाद उनकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। जिमनास्टिक इवेंट या कहें खेल के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें सिमोन बाइल्स पर थी और सिमोन बाइल्स ने फाइनल से कुछ मिनट पहले अपना नाम वापस कर लिया। कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। इसका नुकसान उनकी टीम को भी हुआ और अमेरिकी टीम आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। सिल्वर मेडल पर ही उनको खुश होना पड़ा। इसके साथ ही रूस को गोल्ड मेडल मिला और ब्रॉन्ज मेडल ग्रेट ब्रिटेन के नाम गया। एक लाइन में अगर हम जाने तो सिमोन बाइल्स ने अपना नाम मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से फाइनल से हटाया, लेकिन इसके पीछे क्या पूरी कहानी है इसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सिमोन बाइल्स हैं कौन। सिमोन बाइल्स 24 साल की स्टार आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्लेयर हैं जिन्हें जिम्नास्टिक में अब तक सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में माना जाता है। 2016 के रियो ओलंपिक में सिमोन बाइल्स ने 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते जिसमें कुछ इंडिविजुअल थे और कुछ टीममेट के साथ थे। 5 बार वर्ल्ड ऑलराउंड खिताब जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं सिमोन बाइल्स। इसके साथ ही 25 से ज़्यादा अलग अलग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं सिमोन बाइल्स। पूरी दुनिया में उनके खेल को जानने वाले और पसंद करने वाले लोग हैं। अब यहाँ ज़रा ये जान लेते हैं कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट के दौरान जब अपनी टीम के साथ वो खेल रही थी तो उन्होंने फाइनल से पहले अपना नाम कैसे वापस लिया, हुआ क्या आखिर 27 जुलाई को। खेल के दौरान वो अपने वॉल्ट से कूदने के बाद ट्रेनर से टकरा गई। इसके बाद उनके पैर में कुछ चोट आई और चोट आने के बाद वो सीधे डॉक्टरों की टीम के साथ चली गई। सिमोन बाइल्स ने यहीं पर ऐलान किया कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से वो अपना नाम वापस ले रही हैं। अमेरिकन जिम्नास्टिक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी बताया गया कि कुछ मेडिकल इश्यूज हैं सिमोन बाइल्स के साथ जो वो खुद बता रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम फाइनल से वापस ले लिया है। कुछ देर बाद सिमोन बाइल्स वापस आई और उन्होंने अपनी टीम को चीयरअप करना शुरू किया, अपने साथियों को गले लगाया। सिमोन बाइल्स अपने परफॉर्मेंस के बाद साफ तौर पर ये मान रही थी, ये कह रही थी कि मैं पोडियम पर नहीं जाना चाहती क्योंकि उनकी टीम सिल्वर मेडल जीती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज पर पहले फोकस करूंगी, मेरे लिए यह प्रायोरिटी है। सिमोन बाइल्स के फाइनल से कुछ मिनट पहले ही अपना नाम वापस लेने की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इससे पहले भी सिमोन बाइल्स की चर्चा लगातार दुनिया भर में होती रही है। कुछ रोज़ पहले उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी फेसबुक के साथ जिसका नाम था सिमोन वर्सेस हरसेल्फ। इसके आखिरी एपिसोड व्हाट मोर कैन आई से में काफ़ी कुछ सिमोन ने सामने रखा था। इस एपिसोड में सिमोन ने खुद के साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट पर बात की थी। 12 साल की उम्र में अमेरिका के टेक्सास में वो ट्रेनिंग लेने पहुंच गई थी। टेक्सास में जहां पर वो ट्रेनिंग ले रही थी उसे दुनिया की सबसे बेस्ट जगह बताया जाता है जिमनास्टिक की ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग सेंटर में लैरी नासर नाम के एक डॉक्टर भी हुआ करते थे जिन्हें पूरी दुनिया में एथलीट्स के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर माना जाता था। खासतौर पर जिमनास्ट जो हुआ करते थे उनके लिए वो बेस्ट डॉक्टर थे, लेकिन उन पर कई सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे। 2018 में सिमोन ने भी अपनी बात को सामने रखा। सिमोन ने अपनी सीरीज में जनवरी 2018 में लैरी नासर के बारे में जो बताया था उसे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात बताने से अब नहीं डरूंगी। लैरी नासर ने जितने जिमनास्ट को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है उनमें से एक मैं भी हूँ, कई वजह से ये बात मैं कई लोगों को नहीं बता पाई, अभी भी ये बात लिखना मुश्किल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ, मुझे वहीं वापस आना होगा जहाँ मेरे साथ ये सब हुआ है। लैरी नासर पर कई दूसरे जिमनास्ट ने भी आरोप लगाए जिसके बाद उनको सजा भी हुई। 6 साल की उम्र से बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने के साथ 12 साल की उम्र से ट्रेनिंग सेंटर में
जाने के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली सिमोन बाइल्स पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो कहा वो हम सबको एक तरह से अपनाना चाहिए, मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एथलीट्स को अपने शरीर और बॉडी को बचाना होता है, हम कई बार वो सब नहीं कर पाते जो दुनिया हमसे चाहती है। हम सिर्फ एथलीट नहीं हैं बल्कि एक इंसान भी हैं। मैं वहां जाकर कुछ गलत करके अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। खेल के अंत में स्ट्रेचर पर वापस जाना ही सब कुछ नहीं है। सिमोन बाइल्स की बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बात करना। अभी भी हमारे समाज में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बात करना एक साहस है, जो वाकई सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए।